अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्ड नोज़ कॉन्टोरिंग शेयर करूंगी, और कुछ नहीं है इस वीडियो में। सो अच्छा, ये जो आई मेकअप लुक, ये जो आई लाइनर लुक है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि आप अपनी स्मॉल आइज़ को किस तरह से बिग दिखा सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ आइज़ को बड़ा दिखाने की सारी डिटेल शेयर की है। सो आई बटन पे मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप ज़रूर देखें कि आप अपनी स्मॉल आइज़ को बिग किस तरह बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नोज़ कॉन्टोरिंग डिटेल्ड नोज़ कॉन्टोरिंग की मुझसे रिक्वेस्ट की थी वरदा शहज़ाद ने, और वरदा शहज़ाद ने काफ़ी डिटेल मुझे बताई थी कि ऐसे करके बताइएगा। तो अब मैं उसको जो है अच्छी खासी डिटेल में जो है वो नोज़ कॉन्टोरिंग सिखाऊंगी। और हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देना था। सर्विस सफ़ान ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने ग्लैमरस फेस और मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन को मिक्स क्यों करके लगाया, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी ग्लैमरस फेस और मेबलिन सुपर स्टे, दोनों फाउंडेशन का मैंने एक एक पंप लिया था और उनको मैंने हैंड पे मिक्सअप किया था और अपने फेस पे वो फाउंडेशन लगाई थी। वो मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो विंटर्स थी कराची में, अब आजकल ज़रा गर्मी हो गई है। सो ग्लैमरस फेस जो है वो ऑल स्किन टाइप्स फाउंडेशन है। ग्लैमरस फेस मैंने इसलिए मेबलिन में मिक्स की क्योंकि मेबलिन जो है वो बिल्कुल मैट और स्किन पे जाकर बिल्कुल मैट और ड्राई सा इफ़ेक्ट देती है, और ग्लैमरस जो है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग है। सो मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन को मैंने ड्राई फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगाया, तो अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो रही होती है या आपकी स्किन कुछ एरिया से ड्राई हो रही होती है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। बेसिकली मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन अभी मौसम कुछ ऐसा है तो स्किन भी जो है वो उस तरह से अपना रूप बदल रही है। सो इसलिए मैंने एक मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन जो कि ऑल स्किन टाइप है उसको मिक्सअप किया मैंने एक मैट फाउंडेशन के साथ जो कि ऑयल फ्री या ऑयली स्किन की फाउंडेशन है, लाइक बैलेंस कर दें मेरे फेस को। अगर मेरा फेस ड्राई भी हो रहा है तो मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन मैट फाउंडेशन के साथ जाके फेस के ऊपर अच्छे से बैठ जाए। बस ये मकसद था एक लोकल ब्रांड और एक इंटरनेशनल ब्रांड को मिक्सअप करने का, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। सो अभी जो मैंने अप्लाई की हुई है फाउंडेशन, सेम मैंने वही फाउंडेशन अप्लाई की है ग्लैमरस फेस मेबलिन सुपर स्टे का भी, मैंने दोनों का एक पम्प मिक्सअप करा है और फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अच्छा, कॉन्टोरिंग आप तीन चीज़ों से कर सकते हैं, एक ये स्टिक फाउंडेशन से कर सकते हैं, एक जो ये लिक्विड कॉन्टोर्स होते हैं इनसे कर सकते हैं, और एक ये पाउडर कॉन्टोर्स जो होते हैं इनसे कर सकते हैं। सो करें आप किसी से भी, मेथड सबका सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। सो यहाँ पर मैं आपको नोज़ मेरी एक ही है और मैं सब चीज़ें नहीं यूज़ करके दिखा सकती, लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इससे भी कॉन्टोरिंग की है, सिर्फ इससे भी कॉन्टोरिंग की है और सिर्फ इससे भी कॉन्टोरिंग की है। सो पहले मैं आपको लिक्विड कॉन्टोर से, आप अगर सबसे पहले स्टिक कॉन्टोर अप्लाई कर रहे हैं या लिक्विड कॉन्टोर अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों में से आपको एक चीज़ लगानी है। पाउडर अलबत्ता आप स्टिक कॉन्टोर के बाद भी लगा सकते हैं और लिक्विड कॉन्टोर के बाद भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी नोज़ शेप देखनी है। अब सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेरी मासूम सी नाक के ऊपर आ जाएगा सबका। अच्छा जी, ये जो है आपने अपने सबसे पहले नोज़ देखनी है। अच्छा, कुछ लोगों की नोज़ इस जगह से ऑलरेडी पतली होती है, अगर यहाँ से आपकी नोज़ पतली है ना तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं छेड़ना, और अगर यहाँ से मोटी है, जैसे यहाँ से अक्सर लोगों की मोटी नाक होती है, तो आपने इस जगह को जो है वो थिन करना है, इस जगह को नहीं करना। और अगर आपकी ओवरऑल मेरी तरह की नाक है या और ज़्यादा यहाँ से भी मोटी है, यहाँ से भी मोटी है, तो आपने पूरी एक सीधी लाइन क्रिएट करके उसको कॉन्टोर करना है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी ऑलरेडी खड़ी नाक है, खड़ी नाक वालों को इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एक क्रिस्टीन की कॉन्टोर किट ले लें, हल्का सा ब्रशअप करें बस, और उनकी कॉन्टोर्ड है नाक, हल्का सा बस शेड देना है कॉन्टोरिंग का, इतना ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी। हाँ, अगर आपकी यहाँ से चौड़ी नाक है तो यहाँ से आपको यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो जैसे कि मैंने
मैं ओवरऑल कंटूरिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इस तरह से थोड़ा सा यूं शेप दूंगी, ये यूं गोलाई में नहीं, ये थोड़ा सा वी शेप दूंगी यहाँ से। अच्छा, यहाँ आप देख सकते होंगे ये जो मैंने आईब्रोज बनाई है ना, ये जो मेरा आईब्रोज का पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल इस पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ नोज नोज के लिए। तो बिल्कुल जो ये मेरी नाक की जो ये हड्डी है ना, इस जगह पर साइड साइड से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको ब्लेंड कैसे करना है, आप इसको इजीली फिंगर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं इजीली, इस तरह क्या आप आई शेडो ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको फिंगर से बता देती हूँ, इजी मेथड बता देती हूँ फिंगर से ब्लेंड करने का। ये आपने जब लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ ले जाकर यूं छोटा सा वी, ये वी इस जगह पे क्रिएट हुआ है, तो आपने यहाँ से वी क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब आपने अपनी फिंगर से इसको यूं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन होती है ये, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने नीचे नीचे नहीं करना है, आपने ऊपर नीचे लाइक इस लाइन को इसी पॉइंट पे आपने ब्लेंड करना है। वो थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक आएगी, जैसे आप देख सकते होंगे थोड़ी सी यहाँ यहाँ तक आ रही है, और यहां से आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ठीक है। ये अब आप देख सकते होंगे इतनी आपने ब्लेंडिंग देनी है। और इस साइड पे मैं आपको ब्रश यूज करके दिखा देती हूँ, कोई भी आप इस तरह का थोड़ा सा जो फ्लैट ब्रश होता है वो ले लें, इसके ऊपर ऑलरेडी ब्राउन शेड लगा हुआ है। इस तरह से आपने ब्रश लेकर इस ब्रश को भी आपने क्या करना है, जस्ट सेम जैसे मैंने आपको फिंगर की डायरेक्शन बताई थी वो करनी है, आगे पीछे लाइक इस तरह से आपने ब्रश की डायरेक्शन लगनी है। ब्रश को आपने नीचे की तरफ नहीं घुमाना है, जस्ट आपने सीधा यूं रखना है ब्रश को। और अगर आपके यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने यहाँ से भी चपटा करना है, तो आप यहाँ से भी यूं यूं कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने अपने ब्रश को इस तरह से नीचे की तरफ करना है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये साइड फिंगर से और ये साइड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाई है, लेकिन जब आप सिंपली जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपने इस तरह से अपनी लेकिन जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपने इस तरह से अपने फिंगर्स को मूव करना है, लाइक ये जो फिंगर टिप्स हैं आपकी, ये इस तरह से। और इस जगह का आपने नीचे की तरफ कर देना है। सो ये अब आपकी नोज जो है वो तकरीबन कॉन्टोर्ड हो गई है। अब आपने कोई भी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर पिक करना है और आपने थोड़ा सा अपने ब्रश पर लेना है ये, और आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब ये वाली साइड आप देखें, सी अब स्ट्रेट आप ये साइड देखें, ये साइड फिर भी कितनी बैलेंस आउट लग रही है, लेकिन जब आप इसको यूं करेंगे ना तो ये जो अलग से आपने लाइन थी ना वो सब मिक्स अप हो जाएगी। और यही आपने ब्रश, अच्छा अगर आपके पास कंसीलर सो सिंपली अगर सिंपली ये जगह को आपने हाईलाइट करना है तो आपने इसको आप पाउडर से भी हाईलाइट कर सकते हैं, कंसीलर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली कंसीलर लगाती हूँ। पूरा यूँ सीधा कंसीलर ले जाएं, अगेन ये आपकी नोज शेप पे शेप के ऊपर डिपेंड करता है। फिंगर से ब्लेंड कर लें, ब्रश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिंगर से ब्लेंड कर लें। मैं आपको फिंगर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास जो है वो तरह तरह के ब्रशेस नहीं होते हैं, लेकिन फिंगर्स तो सबके पास होते हैं, तो फिंगर्स तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अब आप देख सकते होंगे कि जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वो मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पाउडर लगा कर दिखाया था वैसे ही यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी।
सी इस तरह से आपने पाउडर अप्लाई कर देना है और इसको ब्लेंड कर देना है। जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहीं पे मैंने ब्लेंड किया है उसको, मैंने ये ब्राउन में नहीं ब्लेंड कर दिया। अगर मैं इसके साथ ब्लेंड कर दूंगी तो फिर मेरी ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा नोज़ की इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग करने का। अगर आप सिर्फ कॉन्टोर किट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल कॉन्टोर किट में से शेड उठाना है और उसको भी आपने इसी तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल मेरी नोज़ की कॉन्टोरिंग बहुत डार्क हो जाएगी क्योंकि पहले मैंने आपको लिक्विड से बताया, मैं आपको पाउडर से बता रही हूँ। तो आप जस्ट कॉन्टोरिंग के ट्रिक्स पे और किस तरह से आपको नोज़ को कॉन्टोर करना है उसके ऊपर ध्यान दें, ये ध्यान नहीं दें कि कॉन्टोरिंग डार्क हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विड के बाद अब मैं इतना भर भर के पाउडर लगाऊंगी तो फिर यही होगा। सो तो यहाँ पर जब आप इस जगह पर पाउडर अप्लाई करते हैं ना, तो इससे आपकी नोज़ और स्लिम हो जाती है, ये अब आप नोटिस करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ी देर पाउडर जो है वो सेटिंग पाउडर लगा के छोड़ दें ताकि नोज़ जो है वो अच्छे से बेक हो जाए। थोड़ा सा आप ऊपर भी लगा दें। अगेन, आपकी अगर इस जगह से स्लिम नोज़ है तो यहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्टोरिंग या कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट आपको इस पॉइंट पे काम करना है। आप इतना पोर्शन करेंगे, आप इतना ये वाला पोर्शन करेंगे अगर आपको यहाँ से स्लिम करना है, और अगर आपको पूरी नाक स्लिम करनी है तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद आप इसको इस तरह से रिमूव कर दें पाउडर को। सो जनाब, यहाँ पर हो गई है नोज़ कॉन्टोर्ड। ऑब्वियसली जब नोज़ बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो उसके ऊपर आपने बहुत लाइट लाइट से शेड के साथ काम करना है, बहुत डार्क डार्क शेड अप्लाई नहीं करना है। अभी ये थोड़ा सा डार्क हो गया है आई नो, क्योंकि मैंने पहले लिक्विड कॉन्टोर से आपको बताया, फिर पाउडर कॉन्टोर भी आपको बताया, तो इस वजह से थोड़ा सा डार्क हो गया है। पिंक ब्लश लेके इस तरह से अपनी नोक को इस तरह से अपनी नोज़ पे अप्लाई कर लें, इससे भी बहुत एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है। सो अगर आपको लगे कि कॉन्टोरिंग डार्क हो गई है तो आप इस तरह से कॉन्टोरिंग को लाइट भी कर सकते हैं। सो अच्छा जी जनाब, सो ये हो गई है हमारी नोज़ की कॉन्टोरिंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट में आप अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल मेकअप लुक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जनाब बस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।